एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ साउथ इंडियन स्टाइल का घी राइस का रेसिपी। उसके लिए हमें चाहिए, मैंने यहाँ पर दो मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, तो दो प्याज में से एक आधा पीस प्याज मैंने सेपरेट किया है लंबी तरह से कट कर। और ये हमें गरम मसाला, खा गरम मसाला चाहिए, दालचीनी, फिर लवंग 1/5 से 8, दो इलायची, थोड़ा सा बड़ी शब, कैरेट 1 कैरेट लिया है, और चावल मैंने ये कप में 1.5 कप लिया है। हम अब इसमें घी डालेंगे, घी 1-2 टेबलस्पून तक घी डालेंगे। चावल कम से कम 1 पाव किलो तक चावल रहेगा, बासमती राइस या सिल्की कोलम राइस मैंने यहाँ पर लिया है, क्योंकि वो छोटा छोटा राइस बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, तो आप बासमती भी यूज़ कर सकते हैं, तो हम बिरयानी बनाते वक्त बासमती यूज़ करते हैं, वरना ये घी राइस में ये राइस बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर मैंने आधा पीस जो प्याज रखा था उसको अच्छी तरह से फ्राई करने के लिए रखा है। सबसे पहले इसको गार्निश के लिए अच्छी तरह से एक बार फ्राई करके सेपरेट करके निकाल देंगे हम लोग, तो ये एकदम ब्राउनिश कलर हो चुका है, तो अब हम इसको सेपरेट करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 स्पून बड़ी शब, फिर हम डालेंगे 5 से 8 लवंग, इलायची 2 इलायची और 1 मीडियम साइज इंच का दालचीनी और 3 से 4 तेज पत्ता। इसको एक बार अच्छी तरह से फ्राई कीजिए। बहुत ही इजी है बनाने में, ज़्यादा समय भी नहीं लगता और टेस्ट भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। और इसके साथ हम प्याज डालेंगे, तो इसको एक बार अच्छी तरह से सॉफ्ट होने तक इसको एक बार सॉर्ट कीजिए। तो अगर आपको कंटाला आता हो ये सॉर्ट करने में, थोड़ा सा नमक डालकर इसे सॉर्ट कीजिए, तो जल्दी ही रेडी हो जाएगा। अब ये ब्राउन कलर हो चुका है, लाइट ब्राउन हो गया, तो अब हम इसमें कैरेट्स डालेंगे। कैरेट्स कम्प्लीटली ऑप्शनल है, तो मैं डालती हूँ ताकि वो अच्छा कलर आए। और इसके साथ मैंने यहाँ पर पानी निकाल के रखा था, मैंने 1.5 कप के लिए उसका डबल, चावल के लिए उसका डबल पानी लिया था, और उसको अच्छी तरह से बॉयल होने के बाद ही हम चावल डालेंगे, नहीं तो वो चावल एकदम ही ज़्यादा पक जाएगा। तो यहाँ पर पानी अच्छी तरह से बॉयल होने के बाद मैंने यहाँ पर चावल धोकर इसमें ऐड किए। मैंने चावल भिगाकर कुछ नहीं रखा था, डायरेक्टली धोकर उसको इसमें ऐड किया। और फ्लेम इसको लो टू मीडियम फ्लेम में रखिएगा, हाई में मत रखिए, तो जल्दी ही पानी वॉपरेट होकर चावल जल जाएगा। तो आप जिस जो राइस ले रहे हैं उसके हिसाब से पानी लीजिए। मोस्टली सब राइस हम जितना राइस लेते हैं उसके डबल में ही पानी लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप चावल के लिए 3 कप पानी लिया है। इसको अभी अच्छी तरह से मिक्स कीजिए, बाद में इसको मिक्स करने नहीं होगा, बाद में मिक्स करने से ये सारा चावल पक कर वो एकदम स्मैश हो जाएगा। तो इसके लिए फर्स्ट टाइम जब मिक्स कर रहे हैं अच्छी तरह से एक बार मिलाए, बाद में इसे ज़्यादा हिलाए मत। तब हम इसको ढककर रखेंगे। उसके पहले आप थोड़ा सा पुदीना का पत्ता इसमें डालेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, और इसको ढककर थोड़ी देर पकने दीजिए। उसके बाद जस्ट देखिए कि पानी सारा इवॉपरेट हुआ है कि नहीं। अगर पानी यहाँ पर इवॉपरेट नहीं हुआ है तो थोड़ी देर और इसे रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए पानी थोड़ा और है इसके बेस पर, तो थोड़ी देर मैं और इसे पकने रखूँगी। और इसके ऊपर एक बर्तन में आप थोड़ा पानी भी रखिएगा, ठंडा पानी, मतलब नॉर्मल पानी, और 2 मिनट के बाद इसे फिर से निकाल कर देखिए, तो हमारा चावल यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे घी थोड़ा सा कम डाला है, तो आपको चाहिए तो इसका क्वांटिटी इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा घी राइस रेडी हो गया है, तो वो कैरेट का एक अच्छा कलर आता है इसमें। यहाँ पे चावल भी पककर रेडी हो गया है और बिल्कुल पानी नहीं है,
चावल भी एकदम अच्छी तरह से परफेक्टली पका हुआ है। हर चावल ऐसे सेपरेटली आप देख सकते हो कि ये पक कर अच्छी तरह से परफेक्ट कंसिस्टेंसी में रेडी हो चुका है और बेस में भी चावल बिल्कुल जला नहीं है। तो हमारा सिंपल सा घी राइस साउथ इंडियन स्टाइल में यहाँ पर रेडी हो चुका है। लास्ट में आप थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स डालिए, धनिया पत्ता, और इसको 2 मिनट के लिए ढक कर रखें ताकि धनिया पत्ता का भी फ्लेवर और ये हमने फ्राई करके रखा हुआ प्याज भी इसमें डालकर इसको ढक कर रखिए 2 मिनट के लिए, और उसके बाद इसे सर्व कीजिए। आप चाहिए तो कैशू नट्स और ड्राइड ग्रेप्स जो रहता है वो भी इसके ऊपर गार्निश कर सकते हो। तो इस तरह से सिंपल सा घी राइस यहाँ पर रेडी हो चुका है। सभी लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिए।